रहमान रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूं। वी आर लर्निंग न्यू वर्ड्स। लर्निंग न्यू वर्ड्स मीन्स यू आर मेकिंग योर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का होता है ज़खीरा अल्फाज में इजाफा करना। तो जितना जितना आप नए लफ्ज़ सीखते जाएंगे उतनी ज़बान को समझने और बोलने में आपको आसानी होगी। तो आप जो है, एक होता है सिर्फ लफ्ज़ सुन लेना और एक होता है उसको सीख लेना। जब भी आप एक नया लफ्ज़ सीखें उसको बार बार दोहराएं, उससे देखें, उसके फोनिक्स पे गौर करें और उसकी तस्वीर देखें, उसे अपने दिमाग में बिठाएं और फिर उसको जो है जुमले में इस्तेमाल करें। जैसे बैग है, बा गा बैग। आप स्कूल अपने बुक्स जो हैं वो बैग में लेके जाते हैं। आपका बैग कौन से कलर का है? जाहिर है आपको इल्म से मोहब्बत है, आप किताबों से मोहब्बत रखते हैं, तो आप अपने बैग की भी केयर करते होंगे। तो उसके साथ आपने ये काम करना है कि दो कॉलम बनाने हैं, एक में खामियां लिखें, एक में खूबियां। जो आपके अंदर खामियां हैं उनको आपने निकालना है, उसकी जगह आपने खूबियाँ डालनी है। और एक जो अच्छी आदत है सबसे, वो है बुक रीडिंग की। और सबसे अच्छी किताब पढ़ने वाली कौन सी है? अल्लाह की किताब। उसको भी पढ़ें, सीरत की किताबें पढ़ें, छोटी छोटी कहानियों की किताबें पढ़ें। तो आज हम बात करेंगे ट्राइग्राफ। ट्राइग्राफ तीन अल्फाज पे मुश्तमिल अल्फाज होते हैं जो एक वावल की साउंड निकालते हैं। आज हम आई आई जी ए जो है वो आई की साउंड निकालता है और ये वी कॉल आई या वावल ट्राइग्राफ बिकॉज। और आई जो है यूजली सेंटर मिडल ऑफ द वर्ड्स में आता है। तो आज जो पहला हम वर्ड्स करेंगे वो है फ्लाइट। आप ये देख रहे हैं परिंदे जो उड़े हैं, बर्ड्स आर, इनको फ्लाइट, परिंदों की परवान या उड़ान। तो फ्लाइट फ्लॉक जो है, जब परिंदे झुंड में उड़ते हैं तो उनको फ्लाइट फ्लॉक कहते हैं। आप अक्सर गौर करें कि ये एक वी फॉर्मेशन बनाते हैं, एक परिंदा लीड कर रहा होता है, बाकी परिंदे उसके पीछे उड़ रहे होते हैं। तो ये परिंदे जो हैं उस तरह बेहतर उड़ सकते हैं, टीम वर्क करते हैं, तो मिलजुल के काम करना चाहिए, इससे हमें भी सबक मिलता है। साई, साई जो है उसमें भी आई आता है। साई का मतलब होता है आह भरना। जब हमें कोई अफसोस हो, डिप्रेशन में हो या बहुत खुशी में हो, तो हम ठंडी सांस लेते हैं। साई ऑफ रिलीफ, सुख का सांस लेना। फिर अगला वर्ड है ब्राइट। ब्राइट बी आर आई ट, ब्राइट। ब्राइट शोक और चमकदार रंगों को कहते हैं। जैसे ये आपको चमकदार शोक रंग नजर आ रहे हैं, ब्राइट। तो ब्राइट डे जो है ऐसा दिन जो बहुत निखरा हो, जहां पे हर चीज का रंग साफ नजर आ रहा हो, ब्राइट डे। आई हैव द पावर टू मेक एवरी डे अ ब्राइट डे। ये मेरे इख्तियार में है कि मैं अपने हर दिन को एक चमकदार दिन बनाऊं। और द फ्यूचर इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, लव इट, स्ट्राइव फॉर इट एंड वर्क फॉर इट। मुस्तकबिल रोशन और खूबसूरत है, मोहब्बत करो, इसे पाने के लिए कोशिश करो, क्योंकि जो आज कोशिश करोगे कल उसी को हासिल करोगे। माइट, माइट उस जगह इस्तेमाल किया जाता है अगर हमें किसी के बारे में शक हो, हमें यकीन ना हो। जैसे आई माइट नॉट बी देयर टुमारो, हो सकता है मैं कल वहां ना हूं। इट माइट रेन टूडे, हो सकता है आज बारिश हो। तो अब अगला वर्ड है स्लाइट। स्लाइट का मतलब होता है मामूली। स्लाइट एक बहुत ही मशहूर किताब है, स्लाइट एज, कि अगर आप छोटे छोटे मामूली काम रोज करें जो कि बिल्कुल उसके रिजल्ट नजर भी नहीं आते, तो उनको स्लाइट एज कहते हैं। जैसे तो वो फिर आखिर में इकट्ठे होके आपको उसका रिजल्ट मिलता है। जैसे बहुत छोटी छोटी बातें, दुआ मांगना, अच्छी आदतें डालना, या इसकी मिसाल ऐसे है जब बच्चा चलना शुरू करता है तो छोटे छोटे स्टेप लेता है, लेकिन फिर बड़े होके बड़े स्टेप्स भी लेने लगता है। तो इसी तरह हमारा ईमान जो है वो हमारा रवैया, हमारा अमल और उसका नतीजा, ये तीनों चीजें हमारे ईमान पे मुनसर होती हैं और उससे हमारी जिंदगी बनती है। अगर हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं तो हमें अपने हर मामले में अल्लाह को लेके आना चाहिए। नाइट, आप देखें न आई ट, नाइट रात को कहते हैं। गो टू बेड एट नाइट, हम हर रात को बिस्तर पे जाते हैं तो मसनून अस्कार पढ़ के जाना चाहिए। अब है व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइट, ये एक क्या खूबसूरत रात है। व्हाट अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल खूबसूरत को कहते हैं। सो टर्न ऑफ द लाइट, अक्सर जब हम रात को सोते हैं तो हम लाइट्स जो है उनके स्विच ऑफ कर देते हैं।
and sleep tight hona bistar mein kambal ya chadar ko apne gird achhi tarah lapet lete hain. Ab aap ye dekhein ye bachchi kya kar rahi hai, isme jo spelling likhe hain inke beech mein igh word likhe hain to delight ban jayega. Delight ka matlab hota hai khushi, delight. Aur ye bachcha kya dekh raha hai, dekhne ki koshish kar raha hai sight. तो जो नजर आंखों से हम देखते हैं नजर को साइट कहते हैं. स आइट साइट, देखने को साइट. और ये क्या है, मून लाइट. आपने कभी चौदहवीं के चांद में बाहर निकल के देखें अल्लाह ने कितनी खूबसूरत चांद की चांदनी बनाई है, तो चांदनी को मून लाइट कहते हैं. तो लाइट, ल आइट लाइट. और ये क्या है, बच्चा खौफजदा सा नजर आ रहा है तो फ्राइट. Fright, fright, खौफ को कहते हैं fright. तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप इस सबक को अच्छी तरह याद करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे.